बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 रेनबो की पेज नंबर 14 पर एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, ये वाइट हेन के बारे में, एक मुर्गी के बारे में स्टोरी है, और इसके कुछ बच्चे हैं जो कलरफुल हैं, जो रंगीन हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले लिखा हुआ है, अ वाइट हेन हैड टू चिक्स। वाइट का मतलब सफ़ेद, जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, वाइट का मतलब सफ़ेद। एच एन हैन का मतलब होता है मुर्गी। एक सफ़ेद मुर्गी हैड टू चिक्स, टू का मतलब दो, चिक्स का मतलब चूजे। एक छोटी सी एक सफ़ेद मुर्गी के दो चूजे थे, वन येलो, वन का मतलब एक, येलो का मतलब पीला, उसमें से एक येलो था चिक एंड वन रेड चिक, और एक चिक रेड कलर का था। रेड कलर जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, रेड कलर का था, यानी एक मुर्गी के दो चूजे थे, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का। द रेड चिक लव्ड रेड थिंग्स। लव्ड का मतलब होता है उसको पसंद थी या उसको प्यारी थी, यानी जो रेड चिक था, जो रेड वाला, उसको रेड थिंग्स प्यारी हैं, ठीक है। द येलो चिक लव्ड येलो थिंग्स, वैसे ही जो येलो चिक है उसको किस कलर की चीज़ें पसंद हैं, येलो कलर की। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक जो चिक है वो रेड कलर का है, इसका कलर देखिए, और दूसरा जो चिक है वो येलो कलर है, इसका कलर देखिए। तो रेड वाले को रेड चीज़ें पसंद हैं और येलो वाले को येलो चीज़ें पसंद हैं। और ये जो बड़ी सी है, ये है हैन, और ये किस कलर की है, इसकी पूरी बॉडी ज़्यादातर वाइट कलर की है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। वन डे, वन डे का मतलब एक दिन, द रेड चिक सॉ अ चिली। चिली का मतलब होता है मिर्च। तो जो रेड चिक था, जो लाल वाला चिक था, उसने क्या देखा, सॉ मतलब देखा, एक मिर्च देखा। इट वॉज रेड, यह कैसा था, यह भी लाल रंग का था। ही एट इट, एट का मतलब खाने से है, ठीक है, वह उसको खा गया, वह लाल मिर्च को खा गया। इट वॉज वेरी हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म या फिर तीखा। जो वो था, लाल मिर्च थी, वो क्या थी, बहुत तीखी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्च बहुत क्या होती है, तीखी होती है, और उसको खाने के बाद क्या होता है आपको पता ही है। ही क्राइड, इट इज हॉट। ही क्राइड का मतलब वह चिल्लाया। मिर्च खाने के बाद आप क्या करते हैं, रोने लगते हैं, वह भी रोने लगा या चिल्लाने लगा, इट इज हॉट, और क्या बोला, यह बहुत हॉट है या बहुत तीखी है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे, द येलो चिक रैन। जो येलो कलर का चिक था वो रैन, रैन का मतलब दौड़ा। ही गॉट अ येलो लड्डू। लड्डू तो आपको पता ही है, लड्डू कैसा होता है, मीठा होता है। ही गॉट अ येलो लड्डू, वह एक पीले कलर का लड्डू पा जाता है। फॉर द रेड चिक, वह किसको, किसके लिए पाता है, रेड चिक के लिए, वह रेड चिक के लिए एक पीले कलर का लड्डू ले आता है। द रेड चिक एट द लड्डू, एट का मतलब बताया ही खाने से है। जो रेड चिक था उसने येलो कलर का लड्डू खा लिया। आगे, ही वॉज हैप्पी नाउ। हैप्पी का मतलब खुश, प्रसन्न। अब वह क्या हो जाता था, वह हैप्पी हो गया, खुश हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि कलर पे बेस्ड है। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, हैन, हैन का मतलब मुर्गी, और चिक किसको कहते हैं, उसके बच्चों को कहते हैं। और उसके अलावा हमने सीखा तीन रंगों के नाम, वाइट रेड एंड येलो। वाइट का मतलब सफ़ेद, रेड का मतलब लाल, और येलो का मतलब पीला। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइब की बटन रेड कलर की है, उसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।